और क्वेश्चन गोल सेटिंग के, ये जब आपने गोल सेटिंग एक्सरसाइज कंप्लीट की थी तो इसमें 5 साल का हमने कहा था बताएं क्या है, ठीक है, तो साल को किस तरह कैलकुलेट किया था आपने? 5 साल में बनना है ना, सेकंड तो है, एक सेकंड जो आपके 5 साल हैं उसको आप डिवाइड करेंगे साल में, ठीक है ना। तो जब आपका कोई गोल है, मिसाल के तौर पे आप किसी टॉप कॉर्पोरेट पोजीशन पे जाना चाहते हैं, तो वो 5 साल बाद जो पहुंचना है, तो जब आप डिवाइड करेंगे तो उसको साल में करेंगे, साल में कितने दिन आपने इसके लिए मुख्तस किए हैं? 365 डेज सारे शोर हैं। इसकी हम बात को ले लेते हैं। अब ज़रा 365 डेज को एनालाइज करते हैं। साल में हो गए 365 डेज, इसमें सैटरडे संडे निकाल दें जिस दिन आप काम नहीं करते। अगर हम समझ लें कि 4 हफ्ते होते हैं एक महीने में, ठीक है ना, तो 96 डे ये निकल गए, बाकी कितने बचे? 269। अब 269 में आप पब्लिक हॉलीडेज डाल दें, कैजुअल सिक लीव, मेडिकल लाभ लें, पब्लिक प्रोटेस्ट इमरजेंसीज डाल दें, तो अगर हम थोड़ा सा रखें तो राउंड अबाउट 69 डेज भी निकाल दें, तो हमारे पास 200 दिन बचते हैं, ठीक है। बाकी कितने दिन आ गए जो निकले हैं? 165 डेज में क्या करेंगे आप? उस दिन तो दफ्तर बंद होता है। या सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि हमारी जो एनुअल है ना, जो वर्किंग डेज है हमारे, वो हमें बमुश्किल 200 ही मिलते हैं, जिसमें हमने 5 साल के टारगेट अचीव करने हैं। बाकी के डेज हमारे रिलैक्सेशन के डेज होते हैं। अगर आपने 5 साल में वो टारगेट अचीव करना है और उसको फिर एनुअल पे ईयरली डिवाइड करना है, तो आपको ये जो 169 डेज हैं, ये आपको अपने वर्किंग प्लान के अंदर शामिल करने पड़ेंगे। फिर आप सैटरडे संडे ऑफ डे नहीं होंगे, होंगे घर पे, दफ्तर में नहीं होंगे, बट अपने टारगेट पे काम कर रहे होंगे। फिर आप 169 डेज को देखें कि आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए क्या पढ़ना है। वो हो सकता है आप घर में पढ़ रहे हों, हो सकता है अगर यहाँ से लाहौर में महीने में 2 दफ़ा ट्रिप लगाते हैं तो 3.5 घंटे या 4 घंटे तो लगते हैं। 3.5 घंटे वाली कोई ड्राइव मैंने नहीं देखी, इवन के जो फास्टेस्ट है वो 4 घंटे लेते हैं। 4 घंटे आप सो के जाते हैं या पढ़ के जाते हैं? ट्रेवलिंग में सो के जाता हूँ, वो डिपेंड, मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। बात ये डिपेंड करता है कितना डेडिकेटेड है आप अपने टारगेट के साथ। सो के जाना चाहें वो भी ऑप्शन है, ना सोएं सिर्फ पढ़ के जाएं वो भी ऑप्शन है। आपके पास ऑप्शन है कि फ्राइडे इवनिंग को निकल जाएं, नाइट होती है उसमें पढ़ नहीं सकते, सो ही सकते हैं। मगर अगर आपने सैटरडे संडे जाना है तो बाज़ लोग सैटरडे मॉर्निंग को निकलते हैं ताकि धूप में दिन में सफ़र रहे, उस सफ़र में आप 3-4 घंटे में कोई अपना रीडिंग मटेरियल ऐसा कर लें, कोई एक बुक ऐसी कंप्लीट कर लें जो आपको आगे कैरियर ग्रोथ में काम देगी। ये सिर्फ मैंने आपको डायग्राम इसलिए बताई है थोड़ा सा आइडिया देने के लिए कि हमारा जो टारगेट है जिसको हमने 365 डेज पे कन्वर्ट किया, वो उसमें से कितने दिन हैं जो हमने एक्चुअल काम में करना है दफ्तर में, और कितने दिन ऐसे होंगे जो हम रिलैक्सेशन में गुजारते हैं। तो अगर आप 169 डेज 5 सालों में निकाल लें तो आपका 5 साल का टारगेट फिर 5 साल में अचीव नहीं होगा, वो 6-7 साल में पहुँच जाएगा, क्योंकि आपने साल के इतने दिन जो हैं उधर आपने गुजार दिए, ठीक है। इसी तरह एक और छोटी सी एक्सरसाइज है, हाँ ये थोड़ा सा कंटिन्यू, 1 साल में फिर 200 दिन हमने एक 169 निकाल लिए, तो 5 सालों में आपके 1000 दिन बनते हैं, यानी 1000 दिन हैं आपके पास उस टारगेट को अचीव करने के लिए। 1 साल की छुट्टियां बनती है 165 जो हमने निकाल ली हैं सैटरडे संडेज और वो, तो 5 सालों में आपकी छुट्टियाँ होंगी 825। 5 सालों में जो बंदा 825 दिन फुर्सत में फारग रह के गुजारेगा, वो 825 दिन आपको 5 साल में आगे 5 साल धकेल देंगे आपको। इसलिए जब आप अपने गोल को टारगेट सेट करना है ना 5 साल के बाद किसी कॉर्पोरेट पोजीशन में, तो ऑफिस आवर्स में ऑफिस डेज के अंदर काम करके कोई बंदा अपने टारगेट पे नहीं पहुंचा कभी। इट हैज़ टू बिकम अ ड्रीम। सो रहे हो उस पर सोच रहे हो, घर में हो उस पर सोच रहे हो, यानी वो, इसलिए मैंने कहा था जब आप क्लब का समझेंगे कि मैं क्लब के की रिक्वायरमेंट को जेहन में रखे 5 साल सेट करूं, फिर आप दफ्तरी औकात के मोहताज हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था गोल सेटिंग अपनी लाइफ की सेट करें ताकि जब आप घर में भी हों तो अपने गोल पे काम कर रहे हैं, फिर दफ्तर में कार्ड इन कार्ड आउट कराने के आप मोहताज नहीं होंगे, ऐसे ही ना, ठीक है ना। इसी तरह हमने एक छोटी सी जरूरत करके एक एक्सरसाइज और थोड़ी सी निकाली है, मिसाल के तौर पर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ योर 1 मिनट। इसकी कैलकुलेशन इमरान आमिर ने की, अगर गलती हो तो उसकी। अगर हम 9 से 6 बजे काम करते हैं 9 आवर्स, ये ऑफिस स्टाफ के लिए, अगर किसी आदमी की 50,000 रुपया ग्रॉस सैलरी है
तो उसका डेली बनेगा 1667 और ईच आवर 185 और ईच मिनट 3 रुपये का एक मिनट पड़ेगा उस साल में, ठीक है ना जी। अच्छा अब आप आए इधर, वो दिन जिस दिन हम काम नहीं करते और ऑर्गेनाइजेशन हमें पे करती है, 8 दिन सैटरडे संडे के होते हैं, और अगर हम एक दिन जो सैलरी में हमें मिलता है 1667 रुपये, इसको 8 दिन से कंपेयर करें तो 13,336 रुपये हमें उन दिनों के मिलते हैं जिस दिन हम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होते, ठीक है ना। ये 96 डेज बनते हैं ईयरली, 1,60,000 रुपये हमें ऑर्गेनाइजेशन सैटरडे संडेज की देती है जिस दिन हम छुट्टी पे होते हैं, ठीक है। 45 डेज लीव के 47,000 वो बन गया, एनुअल बोनस लगा लें तो 3,15,000 सालाना हमें इस चीज़ के मिलते हैं जिस दिन हम काम नहीं कर रहे होते, है ना। यानी और ये देखें कि हमें ऑर्गेनाइजेशन से ये वो पैसे मिल रहे हैं जिस दिन हम ऑर्गेनाइजेशन में फिजिकली मौजूद नहीं होते, लीव इनकैशमेंट को भी अगर हम उसमें डाल दें, ये बोनस, ये लीव इनकैशमेंट और बोनस तो आपको एडिशनल मिल गया ना, ठीक है ना। हम ये सारी पेमेंट लेके, ठीक है ना, इसको रिलैक्सेशन में स्पेंड करते हैं। जब मैंने कहा था ना कैरियर ग्रोथ प्लान, तो उसमें जो छुट्टियों के दिन होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन हमें पे कर रही है, वो किस चीज़ का पे कर रही है, बीइंग अ पार्ट ऑफ इट सिंपली, ठीक है ना। दो छुट्टियाँ भी दे रही हैं, हम उन दो छुट्टियों को, पेड छुट्टियों को अपनी ग्रोथ के लिए गोल सेटिंग का हिस्सा बनाने के बजाय वो रिलैक्सेशन में गुजारते हैं। फिर 15 साल बाद जब अप्रेजल होती है तो कहते हैं ये मैं यहाँ 15 साल से था, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। अभी हमने कैप्टन के इंटरव्यू किए तो हमारे पास एक कैंडिडेट आया जो पिछले 29 साल से वेटर ही है, और अब उसने अप्लाई किया कैप्टन बनने के लिए। तो जब हमने पूछा कितने अरसे से वेटर ही, अब क्यों ख्याल आया, तो कह रहे मैंने जब भी ट्राई किए मेरे घर में ये मसला हो गया, मेरे इधर ये मसला हो गया। यानी उसने अपने आप को पहले से जस्टिफाई किया हुआ कि मैं वेटर क्यों नहीं, अगर 29 साल में नहीं बना तो फिर आगे भी नहीं बनेगा। तो अगर आपने किसी भी ज़िंदगी में ग्रो करना है तो आपकी अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी, वो ना इस्लामाबाद क्लब लेगा, ना मेरिट लेगा, ना पीसी लेगा, ना ऑर्गेनाइजेशन इंसान की ज़ाती ज़िंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेती, उसके गोल आपको खुद सेट करने होंगे। अगर आपके गोल अच्छे होंगे और आपके गोल के प्रोसेस में आपकी मेहनत से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होगा तो ऑर्गेनाइजेशन बजाते खुद सपोर्ट बन जाएगी आपके लिए। जैसे अभी इतने डेज आपको सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक रिश्ता कायम रखने के मिल रहे हैं, उसमें फिजिकली आप आगे काम भी नहीं करते। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन, आप ये देखें कि हम जब कंप्लेन करते हैं, जब गोल सेटिंग का होता है तो उसमें एक शैतान का हरबा ही होता है कि वो अक्सर कंप्लेनिंग एटीट्यूड डेवलप कर देगा, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ये रिसोर्सेज नहीं है। मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक्शन ये बताया कि ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना पैसा दे रही है उन लम्हों का जो आप उसके साथ स्पेंड नहीं करते, इससे ज़्यादा इंसान को शुक्रगुजार होने की क्या ज़रूरत है। तो जो लम्हे आप घर में गुजार रहे हैं वो पे हैं, तो उन लम्हों में अगर 1 या 2 घंटे डेली निकाल के अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर लगाएं, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, कोई अच्छा कोर्स अटेंड कर लें, ठीक है ना, उससे क्या होगा, जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे प्रोफेशनली आपकी मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके जो मामलात हैं, जो आपकी विजिबिलिटी है, जो आपका परसेप्शन है पर्सनालिटी का, वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी ग्रोथ के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के भी, ठीक है। स्किल नंबर 2, बैलेंसिंग होम एंड कैरियर, ये सबसे ज़्यादा जो लोग परेशान होते हैं कि घर के मामलात, घर के झगड़े, वो दफ्तरी मामलात में उलझ जाते हैं और वो बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाता है। तो फैमिली, आपकी वाइफ एंड चिल्ड्रन हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं और पेरेंट्स हैं, इनके दरमियान इनका पीस ऑफ माइंड अगर आपको मिलेगा, इनकी सपोर्ट आपको मिलेगी, वो आप दफ्तर में लेके आएंगे तो दफ्तर में आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर हो जाएगी। दफ्तर में आके किसी को कोसते रहेंगे घर के मामले में, दोस्तों के मामले में, वालदेन के मामले में परेशान होंगे, तो वो परेशानी कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट ज़रूर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैनेजर के लिए सक्सेस स्किल, वो इन रिश्तों को ख़त्म कर देना नहीं है, इन रिश्तों को मैनेज करना है। वो मैं अक्सर कहता हूँ कि 3 चीज़ें बड़ी खुशनसीबी से मिलती हैं, अच्छे वालदेन, अच्छी बीवी और अच्छा बॉस,
मैं और बज़मी साहब, मैं सुना दूँ लतीफ़ा मैं और बज़मी साहब एक दिन जा रहे थे रास्ते में, तो वो कहने लगे यार ये बड़ा अजीब सा इत्तफाक़ है कि अब जब हमारी शादी हो गई है तो अच्छी अच्छी लड़कियाँ निकलनी शुरू हो गई ये पहले किधर थी तो मैंने कहा, वो कहने कि ये बिलों में छुपी हुई थी ना, अब हमारी शादी हो गई, बाल बच्चे इधर हो गए, अब पता नहीं कहाँ से निकल आते। तो मैंने कहा जिन्होंने उस दौर में जुरत की थी और बिल में से निकल आए थे उनकी किस्मत ख़राब, उनकी शादी हमसे होगी तो कहने का मतलब ये कि रिश्ते जो है ना, रिश्तों के दरमियान उल्फत, मोहब्बत, चाहत, ये डेवलप होती है, ये विरासत में जहेज़ के साथ नहीं आती। ऐसे है ना, आपकी शादी होगी किसी से, मिजाज नहीं मिलता, बातचीत का अंदाज़ नहीं मिलता, तवक्कुआत गलत हो जाती हैं, ये सारे रिश्ते डेवलप करने पड़ते हैं। जैसे बिल्कुल माँ बाप की तरह कि जब बेटा होता है या बेटी होती है तो परवरिश करके उसको मिजाज को अपने साथ लेके चलते हैं, इसी तरह से फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, और फ्रेंड्स के हवाले से बड़ा ख़ास ध्यान में रखिएगा, अगर आपने प्रोफेशनली ग्रो करना है तो ऐसे दोस्तों का हल्का अहबाब अपनाएं जो पॉजिटिव थिंकर हों, जो मोटिवेटर हों, जो आपके हालात की वजह से नहीं बल्कि आपके किरदार की वजह से आपके दोस्त हैं। अगर काशिफ, मकबूल, मैं, आमिर, अगर हम इस्लामत क्लब में लगे हुए हैं तो हमें 10 दोस्त मिल जाएंगे बनने के लिए, मगर जब हम इधर नहीं होंगे, जब जॉबलेस होंगे तो कितने हमारे साथ होंगे? उस वक़्त जो जितने हमारे साथ होंगे वही हमारे अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है ना। तो बेरोज़गारी में सबसे ज़्यादा टेंशन बेरोज़गारी की नहीं होती, उन लोगों की होती है जिनके बातें सुन सुन के इंसान और परेशान हो जाता है कि मैं बेरोज़गार क्यों, ठीक है ना। तो दोस्तों का हल्का है बाप, फिर दोस्त ऐसे रखें जो प्रोफेशनल माइंडसेट के हों, जो अपने ऑफिसेज में पॉलिटिकल एक्टिविटीज से अपनी पोजीशन संभाल के ना रखे हों, बल्कि जो टैलेंट कॉन्शियस हों, जो परफॉर्मेंस कॉन्शियस हों, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इन ट्रेनिंग सेशन से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। स्किल नंबर 3, लर्निंग स्किल्स। जिन चीज़ों से आपने अपना टारगेट अचीव करना है उन चीज़ों तक पहुंचने के लिए, उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सीखना होगा। सीखने के लिए आपके पास लर्निंग स्किल्स की इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है, जैसे रीडिंग स्किल है, माइंड मैपिंग स्किल है, यानी अपने नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना, मेमोरी मैनेजमेंट स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, थिंकिंग स्किल्स हैं, हेल्थ एंड फिटनेस स्किल्स हैं, लिसनिंग स्किल्स हैं, ठीक है। स्किल नंबर 4, टैलेंट मैनेजमेंट। एक्विजिशन है, प्रिजर्वेशन है, डेवलपमेंट है। आप अक्सर लोग देखेंगे जिन्होंने इंडस्ट्री में 30 साल लगा दिए, 40 साल लगा दिए, वो जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं तो ब्लैंक होते हैं। अगर आपने 5 साल बाद एक कॉर्पोरेट पोजीशन पे पहुंचना है तो आज जो कुछ सीख रहे हैं उसको जमा भी करना शुरू करें, ताकि 5 साल बाद जब आप बड़े लार्ज क्राउड को या बड़ी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को हेड करने की पोजीशन में होंगे तो उनको तरबियत क्या देंगे, आपके पास तो खुद कुछ नहीं होगा। नॉलेज वो नहीं होता जो इधर हो, नॉलेज वो भी होता है जो आपने प्रेजेंटेशन बन, जैसे आप प्रेजेंटेशन है, नोट्स ले रहे हैं, वीडियो ये आपकी जो बन रही है ये सारा मटेरियल आपके पास होना चाहिए, ताकि जब आप कहीं भी जाएं तो आपने जो कुछ सीखा है वो आपके पास हार्ड फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। कहीं जाके ये ना हो कि जी मुझे नेट दे दें तो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, नहीं, सिरे से ऐसा नहीं हो। जो कुछ सीखते आए हैं उसको जमा करके अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको ख़ुद भी पता चलेगा, ये नोट्स जब आप 4 साल बाद देखेंगे तो आपको पता चलेगा 4 साल पहले आपका सोच का लेवल क्या था, फिर आप किस तरह इम्प्रूव है। अगर 5 साल बाद अगर आपको अपनी बायोग्राफी लिखनी पड़े तो क्या लिखेंगे? आपके पास तो 5 सालों का रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि किस साल में आपने क्या सीखा था और किस साल में आप कहाँ से कहाँ पहुँचे गए। इम्पोर्टेंट्स नोट जो डेट्स हैं वो नोट करते रहें, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखें अपनी डे टू डे एक्टिविटी का। बायोग्राफीज हमेशा इंपॉर्टेंट लोग लिखते हैं, अगर आप अपनी नज़रों में खुद इंपॉर्टेंट नहीं है तो दूसरे भी नहीं समझेंगे। इसलिए मेरे पास, यानी मैं अब जहाँ खड़ा हूँ, मेरे पास पिछले 20 साल का रिकॉर्ड है कि मैंने किस साल किस महीने क्या सीखा था, क्या लर्न किया था, किस डिफ़िकल्टी को किस तरह मैनेज किया था, और वो मैं आज भी आगे उन चीज़ों से फ़ायदा उठाता हूँ, और वो एक याददाश्त भी होती है आपकी ज़िंदगी की। आपके बच्चे जब जवान होंगे, जब वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आएंगे, तो आप अपने बच्चों को भी वो तरबियत और ट्रेनिंग दे सकते हैं, ठीक है।
क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल्स क्या चीज़ होती है, थिंकिंग क्या होती है, चले सोच, सोच ये इसका उर्दू तर्जमा, ये नहीं बताया क्या होती है, थिंकिंग क्या होती है, वो तो काइंड ऑफ थिंकिंग होगी ना, थिंकिंग होती क्या बताते खुद, प्लानिंग का सेकंड नेम सोचते हैं, प्रोसेस प्रोसेस प्लानिंग से, डिवाइन कम्युनिकेशन मतलब एक कनेक्ट हो रही है वो, अगर वो बंदा डिवाइनली कनेक्टेड नहीं है फिर तो मारा क्या बता, थिंकिंग होती क्या, अभी आप में से कितने लोग सोच रहे हैं सर, जो डिसीजन किया उसके ये सोचना कि मैंने इसके अपने जो गोल है वगैरह उसको मैंने कैसे अचीव किया, जब आप सोच रहे होते हैं किसी मसले पे तो आपके जहन में एक सवाल आता है, आप उसका जवाब तलाश कर रहे होते हैं, तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड आंसरिंग इट, तो क्वेश्चन आंसर्स के प्रोसेस में आप एनालाइज करके किसी इशू को किसी नतीजे पे पहुंचना चाह रहे हैं, जब आप सवाल कर रहे होते हैं अपने जहन में कि इसका क्या मतलब है, इसको मैं कैसे देखूं, तो सवाल की बुनियाद, जितने अच्छे सवाल होंगे उतने अच्छे जवाब की तलाश में होंगे आप, और जितने अच्छे जवाब मिलेंगे उतना अच्छा डिसीजन पहुंचेंगे आप, ऐसी है ना, तो अच्छे सवाल के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, अच्छा सवाल नॉलेज, उस मौजू पे जिस पे आप सोच विचार कर रहे हैं जितना थ्योरेटिकली क्लियर होंगे उतने अच्छे सवाल आप जनरेट करने की सलाहियत रखेंगे, उसमें थ्योरेटिकल क्लैरिटी ताकि लॉजिक आपकी ठीक रहे, और फिर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ताकि आप उसको विजुअलाइज भी कर सकें, इसलिए अच्छी सोच विचार के लिए पहले थ्योरेटिकली उस सब्जेक्ट पे क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम ये ट्रेनिंग सेशंस कर रहे हैं ताकि आपकी थ्योरेटिकली क्लैरिटी हो जाए, इन मौजूदात पे जब आप चल के आगे सोच विचार करें तो आप में अच्छे क्वेश्चंस जनरेट करने की सलाहियत पैदा हो जाए, और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी फिर, थिंकिंग स्किल्स ये पॉजिटिव है, बेसिकली दो होती हैं, या पॉजिटिव या नेगेटिव, आगे जितनी भी इसकी ब्रांचेज हैं इन दोनों में से निकलेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होगी, क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स दैट यू डू नॉट सिंपली एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट्स और पर्सपेक्टिव्स दैट आर प्रेजेंटेड टू यू ब्लाइंडली, इंस्टेड यू थिंक अबाउट थिंग्स केयरफुली, कंसिडर डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट, इवेल्युएट द मेरिट्स एंड जनरली मेक मोर इन डेप्थ कंक्लूजंस, एग्जैक्टली वो 12 एंग्री मैन, अब अगर मैं जो 11 आदमियों ने उस मूवी में हाथ खड़ा किया कि ये बच्चा गिल्टी है और एक ने कहा नहीं है, तो 11 ने उसको क्या ब्लेम दिया था, यू आर नेगेटिव थिंकर, तो हम आमतौर पे पॉजिटिव और नेगेटिव सोच का कि आमतौर पे रवायत में ये है, एक और टर्म है मैनेजमेंट साइंसेज में प्रोटेक्टिव थिंकिंग, यू थिंक टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम एनी मेकिंग एनी रॉन्ग जजमेंट और कंक्लूजन्स, प्रोटेक्टिव थिंकिंग में आप किसी के ख़िलाफ़ नहीं होते, सिर्फ ये क्रिटिकल थिंकिंग होती है कि आप हर बात को बड़ी एहतियात से लेते हैं ताकि आपके गलत फैसले से किसी को नुकसान ना पहुंचे, दैट इज़ प्रोटेक्टिव थिंकिंग, आप अपनी ज़ात को भी नुकसान से बचाना चाहते हैं और आप दूसरे को भी नुकसान से बचाना चाहते हैं। स्किल नंबर 6 कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको हर जगह काम आती है। स्किल नंबर 7 ऑफिस पॉलिटिक्स, तो सेफ का क्वेश्चन आ जाएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स का चूँकि टोन और लव थोड़ा सा नेगेटिव है तो आमतौर पर यह टॉपिक इस तरह भी होता है कि डीलिंग विद डिफ़िकल्ट पीपल्स, तो ज़रा मुश्किल किस्म की तबीयतों के जो लोग हैं जिनके रवैयों की वजह से ऑपरेशन और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों मुतासर होती हैं, उनको कैसे हैंडल करना आपने। सर्विस माइंडसेट, एंड पे फिर मैं एक दो इसकी वीडियो दिखा दूंगा रेलेवेंट स्लाइड्स की, मगर मैं आपको पहले पूरा थॉरली लेकर चलता हूँ। सर्विस माइंडसेट का मतलब यह है कि अगर आपने ज़िंदगी में एक अच्छा मैनेजर बनना है तो उसके लिए इब्तदा आपको आज से करना पड़ेगी, आप पहले एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, अच्छा कुलीग बनने की कोशिश करें, ये मत देखें कि वो काम आपके सेक्शन का नहीं है, यानी मैं इंसानी बुनियादों पे कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अगर एचआर में काम करते हैं तो किसी डिशवाशर ने जाते जाते कहा ये बर्तन मेरे साथ साफ़ कर दें तो आप उधर ही शुरू हो गए, नहीं वो उसका काम है, मुराद ये है कि इंसानी बुनियादों के ऊपर अगर किसी को आपसे मशवरे की ज़रूरत पड़ती है, कोई हेल्प चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो आप उसको यानी सपोर्ट करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास पिछले दिनों एक माली आया, हम ये मैंने बात किसी को नहीं बताई, तो उसको कुछ कैश पैसों की ज़रूरत थी कि उसके बच्चों का जो है
फीसें पे करनी है, तो वो पॉलिसी हमारी के उसमें नहीं आता था दायरे में। तो हम भी परेशान हो गए कि बेचारा एक तो एम्प्लॉई ऐसा माजूर है, फिर उसको पैसों की भी ज़रूरत और बच्चों की फ़ीसों का मामला है। तो वो हमने पॉलिसी जैसे जब उसकी रिक्वेस्ट को हमने एनालाइज़ किया तो देखा ये पॉलिसी के उसके दायरे में नहीं आता, तो फिर हमने क्या किया, तो लकली मकबूल साहब थे, मैं इनको क्रेडिट दूंगा, तो इन्होंने अपने कैश से उनको उसी वक्त हेल्प कर दी थी, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी। ठीक है ना, ये होती है सर्विस माइंडसेट कि इन्होंने अपनी आखिरत को मद्देनज़र रख के उसकी हेल्प की और उसकी हेल्प भी हो गई, उसकी मुसीबत भी दूर होगी। अब अगर ये सोचते कि ये मेरे दायरे में नहीं आता या ये मेरे डिपार्टमेंट का काम नहीं है या ये मेरे, यानी अगर वो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल सोच रखते, सर्विस माइंडसेट अगर इनका ना होता तो उसकी एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो जाती और उसकी ज़रूरत भी पूरी ना होती। अभी होता है ह्यूमन कनेक्टिविटी, वो बेशक मिले ना मिले मगर वो जब भी मिलता है मकबूल साहब को उनकी यानी गैर मौजूदगी में उनकी तारीफ भी करता है, और उस आदमी को ये तसल्ली है कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में थ्रू एक जो प्रॉपर चैनल है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने एक गाइडलाइंस कायम किए, अगर उसके थ्रू मेरी कहीं से हेल्प ना भी होगी तो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन कनेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि मेरी ज़रूरत कहीं ना कहीं से पूरी ज़रूर हो जाएगी। तो ये सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ अटैचमेंट उस एम्प्लॉई की जितनी उस वक्त बड़ी थी, मेरे ख्याल में किसी कैश रिवॉर्ड से भी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती। टाइम मैनेजमेंट स्किल सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ चीज़ें मैं ऐसे रिपीट करता जाऊँगा क्योंकि इनके ऊपर हमारे आगे भी सेशन चलेंगे। स्ट्रेस मैनेजमेंट है स्किल नंबर 10, एंगर मैनेजमेंट आ गया, रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। आप अक्सर दो लोग देखेंगे जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, दुनियादारी के मामलात में दिया सुपर एक्सपर्ट, मगर दीनदारी के मामलात में रिलीजियस कॉन्सेप्ट में इनको अलग एक का नहीं पता। और पब्लिक क्या होती है, एम्प्लॉयज़ आमतौर पर जो जनरल पब्लिक माइंडसेट है साइकोलॉजिकली कि अगर कोई आदमी बहुत ज़्यादा बड़ी पोजीशन पे बैठा हुआ है तो चूंकि उसकी पोजीशन बड़ी इन्फ्लुएंशियल है, बड़ी इंस्पायरेशनल है, उसकी मज़हब की बात को भी इसी तरह ही लेंगे जिस तरह वो ऑफिस के किसी ऑफिस ऑर्डर को लेते हैं, बगैर सोचे हुए कि ये अपने ऑफिस में एक्सपर्ट ज़रूर है, हो सकता है रिलीजन में ना हो। तो हर मैनेजर को अपने मामलात में एटलीस्ट जो वो अकीदा रखता है उसको उसमें ज़रा क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि कभी मजहबी मामलात पे गुफ्तगू की नौबत आए किसी सोशल गैदरिंग में या किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशनल रिलीजियस सेरेमनी में तो इतनी बात कर सके कि उसका एक जो इमेज है थ्रू प्रॉपर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन जो वो एस्टेब्लिश्ड है वो ख़राब ना हो। और वो मजहबी कॉन्फ्लिक्ट के अगर ऑर्गेनाइजेशन में कोई मजहबी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया है तो वो अपनी मजहबी अंडरस्टैंडिंग के साथ उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके, तो इतनी एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग ज़रूर होनी चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट स्किल मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, इसमें आप ये देखिए कि आर यू अप्रिशिएटिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस। हमारे बड़े लोग होते हैं कि सबसे ज़्यादा गलत हायरिंग क्या होती है, आप किसी आदमी के एक्सपीरियंस की बेस पे उसको हायर कर लें मगर पिछली ऑर्गेनाइजेशन में उसके परफॉर्मेंस को चेक ना करें, तो आपने एक्चुअली उसके एक्सपीरियंस को हायर किया उसके परफॉर्मेंस को नहीं, और ऐसे डिसीजन बाद में भुगतने भी पड़ता है। इसलिए जब आप अपने डिपार्टमेंटल लेवल पे मैनेजर जब अपने एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को देखेगा तो वो जो अक्सर एम्प्लॉई कहते हैं मेरा इतना 26 जैसे आज का 29 साल का एक्सपीरियंस है, तो हमने उसे कहा कि तुम्हारा 29 साल का जो एक्सपीरियंस है हमने उस एक्सपीरियंस की बेस पे तुम्हें कैप्टन नहीं प्रमोट करना, हमने तुम्हारी एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस की बेस पे सोचना कि तुम्हें कैप्टन बनाएंगे या नहीं। तो अगर मैनेजर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस के दरमियान फ़र्क ना कायम रख सके तो ये भी बड़े डिज़ास्टर क्रिएट करते हैं। मीटिंग मैनेजमेंट स्किल, मीटिंग्स को कैसे हैंडल करना है और मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कैसे करना है। वर्बल सेल्फ डिफेंस वेरी इंपॉर्टेंट। Now, verbal self-defense means it is a way of using words as a way to maintain your mental and emotional safety. This kind of conflict management involves using posture and body language, tone of voice, and choice of words as a means of calming a potentially volatile situation before it can manifest into any type of physical violence. ये verbal self-defense है। आप बाज जैसे होते हमारे यहाँ होते हैं guest handling complaint में, guest आएगा उसको पता होगा वो गलत है मगर वो प्रेशर डालने के लिए आवाज़ एकदम से बुलंद कर लेगा, लफ्ज़ों की भरमार कर देगा, एकदम से अटैक आने शुरू हो जाएंगे, ये वर्बल अटैक है। आपने अपनी वर्बल सेल्फ डिफेंस
एस्टैब्लिश अगर की हुई है तो आप उसको वर्बली कैसे काम डाउन करते हैं, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, लफ्ज़ यानी ये लफ्ज़ों की जंग होती है। आपके लफ्ज़ों में कितनी कुव्वत है कि उसके लफ्ज़ों की आग को आपके लफ्ज़ों के पानी से उसको बुझा सकें। तो ये वर्बल सेल्फ डिफेंस पे भी अलग से ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, अलग से कोर्सेज होते हैं। गुफ्तगू का माहिर होना, किस वक़्त क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, किस वक़्त बॉडी लैंग्वेज से आपने बात, आपने देखा कि 12 एंग्री मैन में एक आदमी जब बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो जाता है बच्चे के ख़िलाफ़ और वो ये तासुब का इजहार करता है कि जनाब इस इलाके के लोग तो होते ही गलत हैं, तो आपने देखा कि अक्सर लोग उठ के चले जाते हैं, यानी वो बॉडी लैंग्वेज से डिफेंस कर रहे होते हैं कि तुम्हारा नुक्ता नज़र गलत है, उसके अटैक को अपने बॉडी लैंग्वेज से रिजेक्ट कर रहे होते हैं, कहते कुछ नहीं मगर मुँह उधर कर लिया, बाथरूम चले गए, यानी उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो बॉडी लैंग्वेज ये भी एक सेल्फ डिफेंस का तरीका होता है। तो इस तरह बेशुमार टेक्निक्स है जो आप आहिस्ता आहिस्ता सीख सकते हैं। इसमें वाक्य सुना सकते हैं, मुझे एक मेंबर A12NS आपके पास आए थे, एक मौलाना साहब जो दरबार हाल में एक घंटा आपके साथ बैठे थे। हाँ एग्जैक्टली, जो फिर बात कर रहे थे, उसके बाद दोबारा आए नहीं वैसे। इमोशंस मैनेजमेंट स्किल वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आजकल जो टैलेंट मैनेजमेंट में है इमोशनल IQ आपकी, यानी इमोशनल मैनेजमेंट स्किल्स को हम सोशल स्किल्स भी कहते हैं। लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों से कैसे बातें करनी है, लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, लोगों की तबीयतों के मुताबिक